कोमल के इंटरव्यू के बाद डोगन का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो बाद में कोमल की क्लास लेगा। इधर जुनैद को फिजा वो इंटरव्यू दिखाती है। जुनैद कहते हैं कि ये लड़की आखिर कहना क्या चाहती है यार। फिजा का ओपिनियन है कि कोमल उससे प्यार करती है, तो उसने एडमिट कर लिया, पर इसमें गलती सिर्फ जुनैद की है। जुनैद यिल्दिज की याद में बहुत अपसेट है, इसलिए फिजा उसे खुश करने के लिए कहती है कि आज मैं अपने घर में तुम्हें और यिल्दिज को अकेला छोड़ दूंगी ताकि तुम्हारा पैचअप हो जाए। खुश होकर जुनैद जब फिजा को गले लगाता है, यू कैन सी फिजा को जैसे यही चाहिए था, जुनैद से एक हग। मानो ना मानो वो भी जुनैद से प्यार करती है, कुछ तो सीक्रेट है उसका। पर उसने एक एपिसोड में कहा था कि वो और जुनैद कभी एक नहीं हो सकते। आलिया की जो बेइज्जती हुई है उसके लिए वो एक आइडिया सोचती है। कुंवर को वो यहाँ ब्लेम करेगी कि उसने सब किया। आलिया को पता भी नहीं था कि ये सब चल रहा है, यही नाटक डोगन के सामने करेगी ताकि वो बेइज्जती से बच सके। और गेस व्हाट, वो सच में ऐसा ही करती है। डोगन से कहती है कि मुझे पता भी नहीं था कि कुंवर ऐसा कर रहा था, और ना ही उस ड्राइवर का, सब कुंवर कर रहा था। कुंवर भी बकरा बन जाता है ना चाहते हुए भी। डोगन पूछता है रियली आलिया के ऑर्डर के बिना कुंवर ने ऐसा किया? आलिया कहती है हाँ, और कुंवर को डांटती रहती है, कुंवर का फेस देखो। डोगन भी मान जाता है ऊपर ऊपर से। आलिया आरजू के तानों से जो गुस्सा हो रही है उसको शांत करने के लिए वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, और जो दिखता है वही खरीद लेती है क्योंकि वो इस ऐप का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अच्छा, तो वहाँ भी ऐसा होता है। जुनैद कोमल को कॉल करके इंटरव्यू का पूछता है। दोनों इस बारे में जुनैद के घर पे बात करेंगे। यिल्दिज को आयशा बताती है कि हाली चांद सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसका फेवरेट टेडी बियर मिसिंग है, शायद जुनैद के घर में रह गया। यिल्दिज वहाँ जाकर ले आएगी जब घर में कोई नहीं होगा। तभी जनान यिल्दिज को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो उसे हेल्प करेगी। वो पहले से जानती थी ये सब, उसी ने यिल्दिज को मैसेज किया था जुनैद के घर और कोमल को लेके। यिल्दिज शॉक्ड। जनान कहती है डोगन भी विलन है क्योंकि उसको पहले से पता था और उसने जनान को पैसे दिए थे मुंह बंद रखने के लिए। यिल्दिज फिर से शॉक। आमिर से बात करती है और आमिर को तो पहले से ही रेस्टोरेंट में सब पता चल गया था। यिल्दिज गुस्से में डोगन से मिलने आती है। सादिक ये देख के जुनैद को बताता है। जुनैद सोचता है उससे मिलने आई है, पर यिल्दिज डोगन के पास जाकर उससे कहती है आपसे ये उम्मीद नहीं थी, सब कुछ जानकर भी लोगों को पैसे दे के मुंह बंद करवाया, एटलीस्ट कोमल को ही रोक लेते। डोगन कहते हैं जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हें। यिल्दिज कहती है नहीं समझते क्योंकि आपका घर नहीं टूटा, मेरा घर टूटा है। डोगन कहता है देखो दरअसल कोमल के ऊपर बहुत कुछ गुजरा है। यिल्दिज कहती है वो तो हम सब पर गुजरता है, हम तो सही है, दरअसल कोमल बिगड़ैल है। डोगन कहता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है जो मैं बता नहीं सकता, पर कोमल के उस दौर की वजह से आज मैं उसको बचाता फिरता हूँ, पर मैं उसे सपोर्ट भी नहीं करता उसके इस करतूत पे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। यिल्दिज कहती है कोई ज़रूरत नहीं। बाहर फिजा मिलती है यिल्दिज को, फिजा उसे कॉफ़ी पे ले जाती है। वहाँ फिजा उसे जुनैद की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, कहती है कि क्या तुम जुनैद को किसी और के साथ देख पाओगी? यिल्दिज कहती है कोमल के साथ। फिजा कहती है ज़रूरी नहीं, पर एक दिन तो वो किसी के साथ होगा ना। यिल्दिज कहती है जिसके साथ होगा उसे भी धोखा देगा। एग्जैक्टली, यही बातें औरतों को तकलीफ देती है ना, पर सच्चाई यही है कि जिसके साथ भी वो धोखेबाज होगा उसे भी धोखा देगा। जुनैद आ जाता है रेस्टोरेंट में यिल्दिज से मिलने। यिल्दिज फिजा को डांटती है कि तुमने तो नहीं बुलाया। वो कहती है नहीं, दरअसल सादिक ने जुनैद को इन्फॉर्म किया था इस बारे में। यिल्दिज भागने लगती है। जुनैद उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है, पर यिल्दिज उसे सुनाकर भाग जाती है। जुनैद की हालत इज बैड, पर कर्मा तो वापस आती है, क्या कर सकते हैं। आरजू और कोमल बातें करते हैं, तब कोमल की मुलाजिम उसे बताने आती है कि यिल्दिज आई है जुनैद के घर। दरअसल कोमल ने ही उस घर पे नज़र रखने कहा था उसे। कोमल डेस्पो हो गई है, इतनी कि वो यिल्दिज से भिड़ने जाती है। यिल्दिज टेडी लेके बाहर आती है और कोमल उसे ताना मारती है कि इस घर में कैसे आना हुआ, मैंने बहुत बेशरम देखे है पर कोमल जैसी नहीं देखी। यिल्दिज कहती है बस इस खिलौने को लेने आई थी, वैसे भी तुम्हारा और जुनैद का थोबड़ा नहीं देखना था मुझे, पर तुम आ ही गई और मुझे तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। कोमल कहती है हम प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती तुम। यिल्दिज कहती है हाँ, इसलिए तो जुनैद मेरे घर के दरवाजे पे आके रोता रहता है। कोमल कहती है वैसा मेरे साथ भी करता है वो। यिल्दिज जाना चाहती है पर जाने भी नहीं दे रही है क्योंकि उसे उसको जलाना है, कहती है आसमान ने वीडियो भेजी थी। यिल्दिज सुन के चली जाती है। कोमल जुनैद के घर के अंदर जाने का दिखाती है और यिल्दिज के जाते ही वो बाहर चली जाती है, यानी उसे दिखाना था कि वो जुनैद के घर पे ही रहती है। यिल्दिज आमिर को बताती है कि वो जुनैद से कभी पैचअप तो नहीं करेगी, पर उसे और कोमल को साथ भी नहीं होने देगी। और डोगन के आज के उस बात पे कि कोमल का एक बुरा माजी था, यिल्दिज को लगता है कि शायद कोमल ड्रग्स लेती थी, इस राज को उसे पता करना है। कोमल जुनैद से मिलती है, उस इंटरव्यू को लेकर बातें होती है और जुनैद कहता है कि प्लीज़ ये सब मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों में एक जुनून था, पर अभी मैं सिर्फ यिल्दिज को वापस चाहता हूँ और कुछ नहीं। कोमल याद दिलाती है कैसे कोमल से जुनैद कहा करता था कि उसे घर में अच्छा नहीं लगता, बस कोमल के साथ वो खुश है क्योंकि वो उसे समझती है। फिर भी जुनैद कहते हैं मेरी फैमिली मुझे वापस चाहिए। कोमल कहती है हाँ, पहले जब अफेयर था तब फैमिली याद नहीं थी, तब मुझे सर पे चढ़ा रखे थे,
ऐसे सिचुएशंस में औरतों को ही झेलना पड़ता है सब, है ना। पर मैं कोमल हूँ, मैं भी बदला लूंगी। यिल्दिज़ आसमा को डांटती है कोमल को वीडियो सेंड करने की वजह से, क्योंकि कोमल इससे गुस्सा हो गया और जुनैद को खींचेगी अपनी तरफ। आसमा कहती है मैं अम्मी हूँ तुम्हारी, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। आयशा कहती है सही कहा और रोने लग जाती है। वो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, वो कहती है मेरा शौहर रुस्तम भी मुझे धोखा दे रहा है। यिल्दिज़ कहती है धोखे का सीज़न चल रहा है आयशा, मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी, जलिया से कह के। आयशा कहती है मुझे नहीं चाहिए तलाक, उन्हें मैं एक नहीं होने दूंगी। वैसे आयशा घर भी कब जाती है, सारा दिन तो यही रहती है इनकी हेल्प करने के लिए, वैसे है बहुत लॉयल। इधर कोमल को डोगन डांटता है इंटरव्यू वाले स्कैंडल को लेकर, वही बात है कि जुनैद बुरा आदमी है। कोमल कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, वो चाहे ना करे, मेरी फीलिंग्स को कभी अहमियत देते ही नहीं आप, ऐसा लगता है जैसे यिल्दिज़ आपकी बेटी हो, मैं नहीं। तौबा तौबा ये क्या बोल दिया इसने, कल को यिल्दिज़ तुम्हारी सौतेली अम्मी बनेगी। कहती है हमेशा से ऐसा ही होता आया है, आपकी वजह से मुझे मेरी फीलिंग्स दबानी पड़ती है, आपकी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन की वजह से, बस दुनिया और अपनी इज्जत की फिक्र है आपको। देखो खुद को कंट्रोल में रखने के लिए चेन से ताला भी लगाना पड़ता है कोमल को। चलो यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ। अरे हाँ बोलना भूल जाती हूँ हमेशा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना।